अगर आप सभी ये बात सोचते हैं कि पानी में रहने वाले जीवों की मौत पानी में डूबने से नहीं हो सकती तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि पानी में रहने वाले जीवों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो ऑक्सीजन पाने के लिए कभी ना कभी पानी से बाहर जरूर आते हैं। और अगर वह पानी के अंदर ही रहें तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत भी निश्चित है। अगर हम बात करें शार्क की तो शार्क भी पानी में डूबने से मौत हो सकती है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि शार्क के पास लंबे व मजबूत फेफड़े यानी कि उसके शरीर के हिसाब से फेफड़े नहीं पाए जाते हैं और इसी के चलते उसकी मौत भी तय हो जाती है। इसीलिए शार्क को हमेशा पानी के अंदर मूवमेंट करता रहना पड़ता है। अगर वह पानी के अंदर सो भी जाए तो वह अपने शरीर को हिलाती व लुढ़ाती रहती रहती है, क्योंकि इसी के कारण वह अपने जीवन में लंबे समय तक जी पाती है। और अगर वह ऐसा कार्य नहीं कर पाती है तो उसकी मौत जल्दी हो जाती है। और इसीलिए पानी की ऑक्सीजन की कमी के कारण वह पानी के बाहर भी कभी कभी आई जाती है। और इसीलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि वह कभी अगर पानी के अंदर भी हैं तो वह अपने शरीर को बिना हिलाए व डुलाए लंबे समय तक नहीं रह पाती है, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगी तो उसमें लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इसी के चलते उसकी मौत भी निश्चित है।